नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का दानेदार हलवा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आटे का दानेदार स्वादिष्ट हलवा। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम देसी घी डाल देंगे। ढाई चम्मच हम देसी घी डाल देंगे, ये घर का घी है। घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसके अंदर आटा डाल देंगे। आटे को मैंने छान लिया है। मैंने गेहूं का आटा 3.5 चम्मच लिया है। आटे को हम घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और तब तक भून लेंगे जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं आटे का कलर चेंज हो गया है। मैंने 2 चम्मच सूजी ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और सूजी को भी हम भून लेंगे। हमें 1-2 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। मैंने ड्राई फ्रूट में 8-7 काजू और 8-7 बादाम लिए हैं, वो भी हम डाल देंगे ताकि काजू और बादाम भी थोड़े गरम गरम सूजी और आटे के अंदर अच्छे से भुन जाए। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मैंने 1.5 गिलास पानी यूज करा है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूजी डालने से आटे के हलवे में लम्स भी नहीं पड़ते और ये बहुत ही टेस्टी और दानेदार हलवा बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरह से हलवा ज़रूर बनाएं। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लेंगे। अब हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। आप 2 या 3 इलायची कूटकर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर को भी हम हलवे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवा बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, आटे को अच्छे से भूनें, तभी आपका हलवा जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जितना मीठा आप खाते हो उतना शुगर आप हलवे के अंदर डालें। मैंने 6 चम्मच शुगर डाला है, ये ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम ही डालें। शुगर को भी हम हलवे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हलवा हमारा पैन छोड़ने लगा है, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। हमें हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता। अब हलवे को अच्छी सी शाइन देने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच घी और डाल देंगे। इससे हलवे के ऊपर जो है बहुत ही अच्छी सी शाइन भी आएगी और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। देखिए फ्रेंड, हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हलवे ने काफ़ी घी भी छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस हलवे को हम 1 सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने बादाम से इसे गार्निश करा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आटे का दानेदार हलवा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।